डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कर लिया हमने, मेजर मेजर पॉइंट देख लेते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। एग्जांपल्स है प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। एग्जांपल है कि सिलिकॉन जर्मेनियम इम्प्योरिटी एटम के साथ आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फरस एटसेट्रा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर एग्जैक्टली सेम। इलेक्ट्रॉन और होल सेम रहते हैं इसमें, और इसके अंदर क्या होता है कि किसी में नंबर ऑफ मेजोरिटी कह रहे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी में होल्स हो जाते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और पी टाइप में होल्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी हाई हो जाती है इम्प्योर की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे और होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स बराबर है। लेकिन इसमें टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती करती है, साथ में डोपिंग पे भी डिपेंड करती है कि डोपेंट जो ऐड किया वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या होल क्रिएट कर रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो टेम्परेचर के साथ साथ डोपेंट की अमाउंट भी इसमें मैटर करती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप कर लिया आपने, एक्सट्रिंसिक है, और पी टाइप ये भी एक्सट्रिंसिक है। ये कैसे बनता है, ये फिफ्थ ग्रुप के की डोपिंग के साथ बनता है, ये थर्ड ग्रुप के साथ बनता है, मतलब फिफ्थ पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम को डाल के बनता है, ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एटम को डाल के बनता है। दूसरा पॉइंट है इम्प्योरिटी एटम एडेड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द स्ट्रक्चर, ये एक्स्ट्रा होल टू द स्ट्रक्चर। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, और पी टाइप में होल्स आर मेजोरिटी कैरियर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होती है होल डेंसिटी से, और पी टाइप में होल डेंसिटी बड़ी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड।